भाई नीचे वाली में भी यही आइटम रखे हैं आगे पीछे करके, तो 30 सेकंड में तुम्हें इन नीचे वाली लाइन की कीमत बतानी है। भाई यहाँ पे देख लो, एक सवाल है, यहाँ देखो, यहाँ पे एक अनार की कीमत है 60 रुपए और दो अंगूर की कीमत है 15 रुपए और एक अंडे की कीमत है 20 रुपए और एक प्याज की कीमत रखी गई है 30 रुपए और एक नींबू की कीमत है 25 रुपए। तो यानी कि ये जो ऊपर की लाइन है इसका ये टोटल जोड़ बन गया है यहाँ पे 150 रुपए। तो अब भाई तुम लोगों को बताना है। तो भाई सवाल अच्छे से देख लिया ना? भाई अरे ऊपर ना मुंह करके बोले भैया, अच्छे से सवाल देख लिया ना? देख लिया भाई, देख लिया। अब तुम्हें ये बताना है, ऊपर वाली की तो कीमत ये देख ली आपने, 30 सेकंड का टाइम दूंगा, 30 सेकंड का, बस 30 सेकंड का, 30 सेकंड का, और ऐसे तो शाम तक तो तू बता ही देगा। नीचे वाली लाइन में क्या कीमत आएगी आगे यहाँ पे? ठीक है, मतलब जो भाई नीचे वाली में भी यही आइटम रखे हैं आगे पीछे करके, तो 30 सेकंड में तुम्हें इन नीचे वाली लाइन की कीमत बतानी है। कितनी कीमत है? देखो मैं इसको स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप। तो भाई तेरा 30 सेकंड का टाइम चालू कर रहे हैं, स्टार्ट। 30 सेकंड में इनकी कीमत बताओ। भाई तेरा टाइम खत्म हो चुका है। 165 कितने? 165 है। 165 165 तो नहीं है भाई इसका, 150 रुपए तो इसी के ना है ऊपर वाली लाइन के, 150 रुपए तो ऊपर वाली लाइन के ही हो गए। तो ऊपर वाले नीचे बताना है, हमें क्या लग गया? नीचे वाली का कितना है टोटल ये बताना है। तो ऊपर वाले ऊपर वाले का तो मैंने बताया रखा है, नीचे वाली लाइन का बताना तूने टोटल है। 500 रुपए का इनाम है और 500 रुपए लेके जाएगा। तो भाई यहाँ पे इससे तो ये मालूम नहीं हो पाया नीचे वाली लाइन में टोटल कितना आएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताएं नीचे वाली लाइन में टोटल रुपये कितने बनेंगे।